नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है आर सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम बात करेंगे कि रैम किस तरीके से आप फ्री रख सकते हैं। आपके मोबाइल में कुछ नए फीचर्स होते हैं जो हिडन होते हैं, उनके बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सेटिंग ओपन करेंगे। सेटिंग ओपन करने पर आप देखेंगे कि आपको एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले आप एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद एप्लीकेशन मैनेजर में आप जब एंटर होंगे तो आपको सभी एप्लीकेशन दिखाई देंगी। जो एप्लीकेशन आप इनमें से कभी भी यूज़ नहीं करते हैं, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, उसको आप यहाँ से डिसेबल कर दीजिए। आप उसको ओपन कीजिएगा और यहाँ से डिसेबल का ऑप्शन आपको मिलेगा, तो आप उसको डिसेबल कर दीजिए। डिसेबल सिर्फ वही एप्लीकेशन होंगी जो आपके मोबाइल में पहले से ही इंस्टॉल होती हैं, वो होंगी डिसेबल, और जो आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं वो अनइंस्टॉल हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल के रैम को फ्री रख सकते हैं। आपके मोबाइल में स्मार्ट मैनेजर का ऑप्शन मिलेगा, आप वहां से इसको क्लीन कर सकते हैं और आप अलग से अपना डिवाइस का जो एंटीवायरस है उसको अपडेट करके यहाँ से आप उसको स्कैन कर सकते हैं। तो ये आपको आपके अपने मोबाइल में ही मिलता है, आपको प्ले स्टोर से किसी और एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले सेटिंग्स ओपन करने के बाद हम जाएंगे एक्सेसिबिलिटी में, और यहाँ पर इसे ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा हेयरिंग का। हेयरिंग का ऑप्शन दिखने के बाद आपको यहाँ पर फ्लैश नोटिफिकेशन जो आपको ऑप्शन दिखाई देगा, इसको अगर आप टर्न ऑन कर देते हैं तो आपको जो भी मैसेज या कॉल आएंगे तो इसमें आपकी फ्लैश वर्क करने लगेगी। डेक्टेरिटी एंड इंटरेक्शन में जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा असिस्टेंट मैनेजर। इसको जैसे ही आप ऑन करते हैं तो आपको ये एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसमें आप अपने मोबाइल को आसानी से यूज़ करने का आपको ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि आपको लॉक करना है, वॉल्यूम का, आपको बहुत से इसमें दिखाई देंगे फीचर्स जो कि बहुत ही अच्छा है, तो ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और एक लास्ट सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपको मिलेगा यहाँ पर, सिलेक्ट टू स्पीक। जैसे ही आप इसको ओपन कर लेते हैं, आपको ओके करने के बाद आपको ये एक आइकन दिखाई देगा साइड में, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं और उसके बाद जहां पर भी आप पूरी स्क्रीन पर टच करेंगे वहीं से आपको ये बोलना शुरू कर देगा। जैसे आपको कोई लॉन्ग मैसेज है तो आप उसको सिलेक्ट करके इस तरीके से आप उसको सुन सकते हैं, ना कि पढ़ें। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे फीचर्स है मोबाइल के अंदर, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।